हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज रेशम हमने एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो भाई यार, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मेरी जिंदगी का एक नया स्टेप है जो मैं लेने जा रहा हूँ। आज है मेरी न्यू शश की, मतलब जैसा ही मैं आपको बताऊँ, मेरी जॉब लग गई है तो, और वो फुकुओका में लगी है। तो फुकुओका में आपको बताऊंगा क्या जॉब है क्या नहीं है। तो आज मेरी न्यू शर्ट शिकी है, मतलब मेरी ज्वाइनिंग सेरेमनी मेरी कंपनी में। तो आज पता है मेरी स्पीच भी है, मतलब शर्चो वगैरह सब बॉस के आगे। तो थोड़ा सा ना, मतलब प्रॉपर जैपनीज कंपनी, प्योर जैपनीज कंपनी से कहते हैं। सिर्फ तीन चार, मतलब गाय को जैन, तीन चार फॉरनर है मुझे मिला के, बाकी मतलब सारे जैपनीज जितना स्टाफ है। तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ पता है। तो अभी उसकी तैयारी कर रहा था रात भर, अभी भी मतलब आज तुम्हारा भाई बिल्कुल टाइम पे, ज़्यादा देर बोलूंगा नहीं कि मैं निकल रहा हूँ भाई आज फर्स्ट डे ऑफिस में, बिल्कुल लेट नहीं हो सकते। तो भाई भगवान की दुआ से तुम्हारे भाई की जॉब वो वीज़ा वगैरह सब बढ़िया चल गया, जॉब भी लग गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो सही में यार बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई जैपनीज कंपनी में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, अपनी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छी फीलिंग भी आ रही है, थोड़ी सी वैसे भी आ रही है ना कि भाई कैसा होगा आज का दिन, क्या होता है। तो आपको दिखाऊंगा मैं आज क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो भाई आज आपको बताऊंगा कि मेरी न्यू शर्ट की कैसी होती है, ऑफिस जाके मुझे कैसा लगता है और कैसे लोग होते हैं मेरे अगल बगल में, मतलब सब मैं बताने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट डे आज कैसा रहने वाला है। तो ठीक है, आपको बताऊंगा, मैं जल्दी निकलूँ, लेट ना हो जाऊँ, ठीक है, मिलता हूँ। तो भाई मस्त तुम्हारा भाई यार अपनी कंपनी, आज रास्ता नहीं पता तो पता है, गूगल मैप देख देख के जा रहा हूँ, बंद करा दो। मैंने कहा पहले भाइयों को रास्ते में थोड़ी बातचीत कर लें। चार कंपनी भाई रास्ता ही नहीं पता, वेंचर रास्ता लर्न करना पड़ेगा पता है। स्कूल के टाइम पे ऐसे होता, रास्ता याद नहीं था, फिर थोड़े टाइम में रास्ता याद हुआ, और इसका भी याद करते हैं ना, फिर मिलता हूँ आपसे। तो यार उसके बाद ना मेरी वॉशिंग मशीन की डिलीवरी आनी थी, तो ये सेटअप वगैरह करा था बंदा वॉशिंग मशीन वाला। उसके बाद ये मेरा फ्रिज भी साथ ही आए थे दोनों, तो फ्रिज की डिलीवरी भी लेने आना पड़ा मुझे ऑफिस से ना, अर्जेंट में ही। तो भाई यार मैं आ गया था अपने ऑफिस से घर, मतलब मैं तो बहुत पहले आ गया था, उसके बाद पता टाइम नहीं मिला, आज मुझे टाइम मिला करीब करीब पता है कितने 10 दिन बाद या 12-13 दिन बाद शूट कर रहा हूँ कंटिन्यूशन में वीडियो को, क्योंकि उस दिन आया मैं तो टाइम वगैरह मिला नहीं, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह की ना डिलीवरी भी आनी थी। तो इस चक्कर से टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल कि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। फिर मैंने कहा भाई भाइयों को बताना सारी चीज़ें कि भाई कैसे कैसे हुई हैं, कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, मतलब कैसे कैसे आप अपने वीज़ा का अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई भाइयों को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यार ये चीज़ थी जॉब का बताऊँ तो भाई, तो भाई बजरंग बली की कृपा से ऐसी अच्छी जॉब लगी है, बहुत अच्छी। अपना ऑफिस में जो मेरे बॉस वगैरह और जो मेरे सीनियर्स हैं सारे बहुत ही यशाशी, मतलब यशाशी मतलब होता है काइंड, बहुत सारे बंदे काइंड हैं और सारे अच्छे हैं पता है। कोई भी ले लो, मतलब कोई भी ले लो, सबसे यंग अपनी कंपनी में ना मैं ही हूँ अभी जो 22 का हूँ, बाकी सारे मतलब 26 से ऊपर के हैं, मतलब जो मेरे बाद 26 का है और बाकी सारे ऊपर ऊपर 30, 35, 50, 55, 60। और शाचो वगैरह काइचो, मतलब कंपनी का जो अपना जो होता है बॉस और प्रेसिडेंट, सब बड़े मतलब यार बहुत काइंड टाइप के बंदे। मेरी स्पीच थी पता भाई, मैं सही बताऊँ स्पीच देते जो मेरी भाई, मैं अपनी लाइफ में पहली बार नर्वस हूँ, मैं कभी नर्वस नहीं होता अपनी लाइफ में, जितने मेरे दोस्त हैं ना सबको पता है यश कभी नर्वस नहीं होता। तो भाई मैं ऐसे ना स्पीच में मेरे हाथ कांप रहे भाई, एक कितने पता नहीं कितने 100 बंदे बैठे थे वहाँ पे, उसमें अपने जो ऑडिटोरियम था मेरा हमारी कंपनी का भाई, उनके आगे मुझे स्पीच देनी थी जैपनीज में, भाई साहब मेरा ऐसे हाथ कांप रहे भाई की कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि मेरा जो इंशो देखिए इंप्रेशन को कहते हैं वो खराब ना हो जाए कहीं। तो मेरे को पता वो टेंशन हो रही थी कि भाई इंप्रेशन खराब हो गया ना वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट स्पीच है और अगर मैं गलती से थोड़ा बहुत, वैसे तो मतलब जैपनीज ठीक है सब बढ़िया, पर एक वो बंदा नर्वसनेस में गलती कर जाता है ना, तो मेरे को लग रहा था ऐसी गलती ना कर दूं बस, मेरा इंप्रेशन खराब नहीं हो जाए। तो भाई भगवान की दुआ से तुम्हारे भाई ने पूरी स्पीच बहुत बढ़िया दी, सब ने बहुत तारीफ करी मेरी स्पीच की और सब बड़े खुश हो गए कि भाई बढ़िया स्पीच लिखी इसने, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर कंपनी में काम वगैरह करा, अब तो खैर मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2 हफ्ते हो गए काम करते हुए, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया, मैं बिजी हो गया था यार पता है, इसलिए मेरी वीडियो आ भी नहीं पा रही थी, पर अब से वीडियो रेगुलर आएंगी। तो सॉरी भाई कि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था है ना, बहुत ज़्यादा गैप आ गया, पर ठीक है अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर हो जाऊँ थोड़ा। यार पहले स्टूडेंट था ना गाग से था, अब शकाईजिन बन गए शिन शकाईजिन, तो भाई अभी तो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, कंपनी एम्प्लॉय बन गए, तो इस चक्कर थोड़ा सा सैटरडे संडे टाइम होता है, मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती है। तो यार ये सब 9 to 5 वाला होगा तुम्हारा भाई भी तो ये सब चल रहा है भाई, तो यार ऐसी है। तो क्या कहते हैं अब, पर मैं कोशिश करूँगा वीडियोज रेगुलर डालूँ, और कुछ कुछ वीडियो मैंने शूट करके रखी हूँ डालता रहूँगा। तो ये चक्कर था क्यों, तो शिफ्टिंग वगैरह सब कर ली थी भाई, शिफ्टिंग में इतना पैसा ठोका है मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत पैसा ठोका है मैं बता नहीं सकता तुमको, इतना पैसा ठक गया। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था फुकुओका, उसके बाद मतलब मैं कुछ दिन 2-3 दिन फुकुओका में था, एक दिन होटल में रुका था जो कंपनी ने करके दिया था होटल को, मतलब मुझे जो होटल करके दिया था कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं था। तो फिर अब जो मैंने मेंशन, ये एक मेंशन है, मैं इसका रूम टूर बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, और मैंने भाई बड़ी मेहनत से सजाया है घर, बहुत पैसा लगाया इस घर को सजाने में, क्योंकि पुराने वाले घर क्या था पूरा जुगाड़ पे चल रहा था। तो भाई ये वाला घर जो है वो मैं होम टूर की वीडियो में बात करूंगा, इस घर में भाई मैंने बहुत मेहनत से अपना एक एक रुपया लगाया है भाई,
बहुत पैसा लगा दिया इस घर को बनाने में, कि मैंने कहा भाई इस घर में सब कुछ नहीं आएगा और बहुत जल्दी रूम टूर लेके आऊंगा, ठीक है तो मैं दिखाऊंगा। और बस सब सेटअप हो गया, बस एक टीवी मुझे सेट करना है, टीवी भी ले लिया, और टीवी का बस वो मुझे फ्रेम सेट करना है कि भाई कहाँ लगाना है, वो सेट करते ही रूम टूर में ख्याल से शूट कर लूंगा जल्दी। तो यार ये सब ना, अब बात करते हैं ये वीजा वगैरह की कंपनी की। तो भाई मेरी जो जॉब लगी वो प्रॉपर एक जैपनीज कंपनी में लगी, और जो मेरी जॉब है वो भाई मैं एक मेरी जॉब लगी इंटरनेशनल सेल्स में लगी है, कि मतलब जो अमेरिका यूरोप और जो हमारे एशिया की साइड में जितनी भी सेल्स हैं मैं सेल्स टीम के अंदर हूँ। तो ये मेरी जॉब है भाई सेल्स में, और जो थोड़ी बहुत हमारी जो मार्केटिंग होती है, मेरा मेन काम मार्केटिंग का नहीं, मेरा मेन सेल्स का है, पर हाँ हमें मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ना पड़ता है। जैपनीज कंपनी में ये होता है कि आपको ना, जैसे आप किसी फील्ड में, तो आपको उसी के अंदर नहीं उसके अगल बगल के बारे में भी सब बताएंगे, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो अभी तो मेरी 6 महीने ट्रेनिंग है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी होती है वहाँ पे ना 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जाइंट्स होती हैं तो वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जैसे मेरी 6 महीने की है। तो भाई 6 महीने की ट्रेनिंग है, अभी 6 महीना काम सीखेंगे। पता है मैं कर रहा हूँ ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि जो ये वाली जैपनीज है ना जो कंपनी में सेल्स में यूज हो रही है, ये ना बुक्स में पढ़ाई जाती है, तो भाई इस चक्कर से मुझे वो सारी समझ नहीं पड़ती सारी ना मुझे, थोड़ा मैं नोट्स में लिखता हूँ कि भाई ये वर्ड्स हैं। तो अभी नए नए कोई नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे भाई, कोई नहीं मेहनत करेंगे, गंबारू करेंगे, गंबारू होता है मतलब कोशिश करेंगे, और ये सब है जॉब वगैरह सब बड़ी चलती है। जो मेरा मैंने ना क्योटो से वीज़ा अप्लाई कर दिया था अपना, जो कांसाई में रहता था ना मैं, तो मैंने वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दिया था। जो मेरा वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो मेरा टाइम लगा भाई, मेरा 20 दिन में वीज़ा आ गया था, 25 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, कि मेरे जो पेपर वर्क था वो मेरा सारा क्लियर था ना, मैंने कभी गाँव से उसमें स्टूडेंट लाइफ में कोई उल्टा काम करा या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या तुम्हारी बाई तो पकड़ी गई हो, ऐसा कुछ तो मेरा था नहीं। तो मेरा जो सारा रिकॉर्ड था ना वो सारा क्लियर था, तो इस चक्कर से मेरा वीज़ा भी सही टाइम से आ गया था, 20 दिन के अंदर आ गया था मेरा वीज़ा। और भाई वीज़ा की बात करूँ, जो मेरा को वीज़ा मिला है जापान में, देखो जो जब आप शकाईजन में लगते, जॉब में लगते, तो आपको 1 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा और 5 साल का वीज़ा मिलता है। तो भाई जो मेजोरिटी जो लोगों को मिलता है, मिलता है 1 साल का, और जैसे एक रेशियो बताया था, 100 में से 90 लोगों को मिलता है, 90 या 85 लोगों को मिलता है 1 साल का, ठीक है, उसमें से जो बचे उसमें से कुछ लोगों को मिलेगा 3 साल का, और 1 साल का सॉरी 5 साल का मिलता है 100 में से 5 या 10 के करीब का रेशियो लगा लो, इतना रेयर होता है 5 साल का वीज़ा जो होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, थोड़ा आपकी लक की बात होती है, आपकी कंपनी की बात होती है, कंपनी का भी क्या बोलूँ, मैंने ऐसी ऐसी कंपनी में देखा जो निसान वगैरह टोयोटा में काम करते हैं, पर उनका जो 1 साल का वीज़ा दिया उनको, कुछ कुछ आपका पेपर वर्क भी होता है, कुछ आपका लक भी होता है इसमें। तो भाई भगवान की दुआ से और अपने माँ के आशीर्वाद, आप सबके प्यार से मुझे 5 साल का वीज़ा मिला जापान का, मेरे पास अब 5 साल का वीज़ा जापान का। तो पहले मेरा स्टूडेंट में था वो 1.5 साल का था, फिर उसमें एक बार बढ़ा था मेरा कुछ 2-3 महीने का, फिर उसके बाद अब सीधा भगवान का ऐसा मतलब सही में बजरंग बली ने ऐसा बालाजी ने अपना ऐसा हाथ रखा मेरे ऊपर, इस टाइम में भाई टचवुड भगवान के दोनों हाथ हैं मेरे सर पे और अपने माँ के, कि भाई मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है और मुझे 5 साल का वीज़ा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, मुझे बहुत मतलब अपने ऊपर भी थोड़ा सा प्राउड है और मेरे पेरेंट्स को और मेरे जो भी लव्ड वंस हैं सबको, आई होप आपको मेरे ऊपर प्राउड होगा, आई होप आपको भी सुन के अच्छा लगा होगा कि भाई भाई को 5 साल का वीज़ा मिल गया। अब 5 साल तक कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे, अपने जो ड्रीम्स को पूरा करेंगे। तो यार ये चक्कर था, मैंने कहा भाइयों को बता दूं जो कि 1 साल 3 साल 5 साल का वीज़ा होता है। हाँ जो वीज़ा मैटर करता है ना वो आपकी जॉब प्रोफाइल पे भी करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे कहते हैं, मतलब प्रोफाइल इन द सेंस कि आपकी जॉब क्या, आपको काम क्या करना है। अगर आप जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है तो वो 1 साल का देते हैं, और ऐसा मैंने सुना ऐसा होता है, अगर आपकी जैसे अच्छी है जॉब अच्छी तो आपको लंबा वीज़ा मिल जाता, तो ऐसे ऐसे होता है। भगवान की दुआ से मुझे अच्छी जॉब मिली, काफ़ी बिल्कुल प्योर जैपनीज कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, सब अच्छा है, अपना जो बोनस वगैरह भी सब बढ़िया है। तो यार ये सब था, तो मेरे को बस आपके साथ ये एक मोमेंट अपना शेयर करना था, मैं अपनी फोटोज वगैरह डाल दूंगा कि भाई जो मेरी निशर्ष की थी, जो मतलब मुझे कंपनीज ने जो मेरी फोटोज खींची थी वो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। इंस्टाग्राम वालों ने तो कब की देख ली होगी, पर कुछ कुछ जो मेरे भाई मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, आप अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं वो इंस्टा का भी डाल दूंगा, आप देख लेना उस पर, ठीक है। तो इंस्टा पे क्योंकि मैं पहले ही सब अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर था, भगवान की दुआ से तुम्हारे भाई की लाइफ में सब कुछ अब अच्छा चल रहा है, अब फाइनली स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई मेरी। स्टूडेंट लाइफ भी पता है बहुत अच्छी थी मेरी, काफ़ी कुछ सीखा उसमें, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा, काफ़ी लाइफ को लेके कुछ कुछ सीखे, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों से अच्छी चीज बात हुई, काफ़ी लोगों की रियलिटी दिखती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं ना। तो काफ़ी मेहनत करी स्टूडेंट लाइफ में भाई, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को पार्ट टाइम से आ रहे हैं,
अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ तारीफ कर रहा हूँ, सभी करते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, सब करते, जितने स्टूडेंट है ना सब करते हैं मेहनत। तो मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे अब लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तो इतनी आगे आ गया हूँ लाइफ में भगवान की दुआ से, तो भाई बालाजी की आशीर्वाद से, तो भाई ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेहनत वर्थ इट यार। पता है मैं तो मैं बात बताता हूँ, अब जैसे है थोड़ा मतलब ऐसे टाइम पे मैं थोड़ी ना दिल की बातें कर लेता हूँ, अब तुमसे ही कर लेता हूँ, और तो कोई है नहीं अभी यार। तो पता है क्या हुआ, एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैंने देखो स्कूल लाइफ में एक ऐसा बच्चा था, ये आपको एक वैसे बता रहा हूँ कि आप लोग इससे इंस्पायर हो सको, अगर कोई दो चार बंदे भी इस बात को लेके इंस्पायर हो गए तो मेरी ये वीडियो का जो पर्पस है हो जाएगा पूरा। अगर बताऊँ जब मैं स्कूल में था, मेरी जैसे कुछ टेंथ में भी ऐसी कोई खास नहीं आई थी, 70/7 आती ना CGPA जो होती है, 7 के करीब आई थी मेरी। तो पता है क्यों बात बता रहा हूँ, जो मेरे टीचर्स थे पता क्या बोलते थे मुझे कि भाई ये 10th भी पास कर ले, एक मेरा ट्यूशन टीचर था वो कह रहा ये 10th भी पास कर लेना तो मुझे बता देना, मैं ये अगर इससे आगे पढ़ ले तो बता देना, भाई मैंने 10th भी कर ली, 12th भी कर ली, कॉलेज भी कर लिया। तो भाई मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आया था उस पर कि भाई ठीक ठीक है टीचर है तो तू भाई तमीज से बोल ले। भाई पापा ने ऐसे ऐसे भाई बड़ा गुस्सा आ गया था पापा को उस टाइम। तो स्कूल में भी मेरी जो टीचर्स थी वो मतलब ठीक था, मैं सही था, पर वो कह रही थी ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा, कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी भी ठीक है, मैं अपनी लाइफ में भाई अच्छा ही कर रहा हूँ, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी ऐसे बोलता है ना, ऐसे मेरे भाइयों को, आप लोग उनसे ना डिमोटिवेट मत हो ना, ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी होता है, वो जवाब मुंह से नहीं दे जाता, उस टाइम पे आप कुछ ना बोलोगे, मेरा जो मानना है मैं मुंह से बोलने में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, बोलता हूँ जब बहुत अति हो जाती है, वरना आप अपनी जो अपनी मेहनत से अपनी सक्सेस से आप उनको जवाब दीजिए तो वो फिर पता है मुंह से वो भी जवाब दे देंगे, इससे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इनसे उनके मुंह बंद हो जाते हैं। अब जो बोल रहे थे ना पहले कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं, ये वापसी हो, ये मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई उन सबके मुंह बंद है बहुत, मतलब मैं देखो उन सबके, अब वो बड़े प्यार से मम्मी से बात करते हैं, मैं तो करता नहीं है सालों से बात, मैं तो ना करूँ भाई बहन चो, जब तुम तो वही वाली बात है ना, गर्व फिर वही वाली बात है, बंदे सोचते हैं भाई एटीट्यूड आए कुछ नहीं। पर भाई ऐसे लोग भी जरूरी होते हैं लाइफ में, क्योंकि ये लोग ना आपको पोक करते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो ऐसे बहुत चीजें होती हैं भाई। तो मैं ये आपको इसलिए बताई बात कि भाई जब मैं कर सकता हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी मतलब जब इंडिया में था स्टूडेंट लाइफ में, मैंने जैपनीज में बहुत मेहनत करी भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ उसमें झूठ नहीं, मैंने जैपनीज के अंदर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, और मेरा स्कूल लाइफ की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं कि क्या मैं अलजेब्रा फेल जाबरा, मेरा वेंचर कोई काम आ रहा है अलजेब्रा आज लेना लेना वेंचर, तो वही वाली बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताइए, आप लोग भी मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम करिए, और मैं कर सकता हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे ही बढ़िए। और जो आपको मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि थोड़ा चिड़बाजी करते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी सक्सेस से जेलस होते हैं, अगर आप कुछ भी लाइफ में अच्छा करते हैं, कोई मैंने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव नहीं कर लिया है तो, पर हाँ एक मैं अपनी लाइफ में कल से मतलब मैं कल को देखूं अपने, तो आज अपने आज में बहुत आगे आ गया हूँ, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप कल थे उससे आप आज आगे आ गए, है ना। तो बस ये चीज आप रखना, किसी से होड़बाजी कुछ नहीं है भाई, अपने कल से हमें आज अपना बेटर बनाना है ना, तो बस ऐसे एक एक दिन हम मेहनत करेंगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे सबसे, है ना। तो ऐसे यूट्यूब पे मेहनत करूंगा, ऐसे ही अपनी जॉब में मेहनत करेंगे, और अपनी जॉब में मेरे जो मेरे प्लान है अपनी लाइफ को लेकर उनको अचीव करूंगा। फिलहाल जो एक प्लान था वीजा का और काम का, वो दोनों ही मैंने भगवान की दुआ से अचीव कर लिया है, और आप लोगों का भी आशीर्वाद है सबका, जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और कुछ पेपर वगैरह जो वीजा के लगते हैं, हाँ वीजा के पेपर बता दूं मैं आपको, वो लगते हैं देखो आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री लगेगी, कॉलेज जो आपने मतलब इंडिया वाला अगर इंडिया से यूनिवर्सिटी करी वो लगेगी, आपने जो लैंग्वेज स्कूल में करा वो सर्टिफिकेट लगेगा, अगर स्कूल की जो सोच की लगती है सोच का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्कूल का, और अपनी कॉलेज इंडिया ग्रेजुएशन, और JLPT लेवल मेरा तो कुछ नहीं लगा था भाई, लगाने वाले लगा भी देते पर मेरा कुछ नहीं लगा था, उसके बावजूद ही मेरे को अच्छा कोई दिक्कत नहीं आई वीजा वगैरह में। तो यार ये चक्कर ना, तो मैंने कहा भाइयों को बता देते सारी चीजें, है ना। तो यार ये आप मेन पता है अपने पेपर नहीं होते, मेन होते कंपनी के पेपर कितने स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी की मतलब वैल्यू कितनी है, उस कंपनी पुरानी कितनी है, मेरी कंपनी बहुत पुरानी है, पीढ़ी से पीढ़ी चला रही है जापान में ना, तो काफी पुरानी कंपनी है, तो इस चक्कर से तो वो कंपनी की ना गुडविल पे भी डिपेंड करता है, और कंपनी कितना टैक्स पे करती है, कंपनी का पीछे का क्या बैकग्राउंड क्या रहा है, उन सब पे भी चीजें डिपेंड करती हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी सी मैंने मोटिवेशन देने की कोशिश करी, इंस्पायर करने की कोशिश करी है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं लाइफ में, अचीव करिए आप लोग भी। ऐसे लोगों तो इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं दिया ना दूंगा, और अपना फोकस करते रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। तो यार ये सब बात है और बस अब मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी रूम टूर की वीडियो लेके आता हूँ। ये घर मेरे को बड़ा अच्छा लगा था अपना, मैंने बहुत इस घर को अच्छे से बनाया है, बहुत पैसा लगाया इस घर में, सब कुछ नया डाल दिया, फ्रिज व्रिज वॉशिंग मशीन सब, पुराना घर तो पूरा जुगाड़ पे, इस घर में सब कुछ नया, भाई कुछ पुराने डलेगा, तो इस चक्कर से दिखाऊंगा आप लोगों को ये घर, ऑलमोस्ट रेडी है, बट थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, वो करते ही रूम टूर आपको मिल जाएगा और दिखाऊंगा आपको रूम टूर, ठीक है। तो अभी मेरी जो जॉब है बता दूँ, हाँ फुकुओका में रहता हूँ, फुकुओका में लगी थी, ठीक है, तो फुकुओका के अंदर है भाई, आराम से मेहनत करेंगे अब, और आज मेरा कुछ प्लान है इसलिए मैं रेडी होकर बैठा हूँ, थोड़ा बाहर जाना है मुझे, अभी मेरा अभी हो रहे हैं कितने, अभी 4:30 हो रहे हैं, तो अब 5 बजे से मेरा प्लान है, और 5:30 हो गए, हाँ मेरा 6 बजे से, ठीक है, मैं कह रहा लेट तो नहीं हो गया, मैं एकदम से दिमाग में आया, वीडियो में ध्यान था ना मेरा, तो 5 बजे की मेरी ट्रेन है, उनसे निकलना है मुझे, प्लान है मेरा थोड़ा सा बाहर आज, और मिलता हूँ आपको फिर, है ना, बस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मंडे को मेरा वो है हेल्थ चेकअप है, उसमें जैपनीज कंपनी में या हर जगह ही होता है जापान में, तो और वो हेल्थ चेकअप, ये पता है परसों एक भूकंप आया भाई, मेरे यहाँ तो नहीं आया पर जो भाई है ना मेरे उनके यहाँ पे आया भाई, बेड वेड हिल गए, बहुत भूकंप आया था, मैं तो भाई घर से नीचे चला गया, मैं बहन चाहिए 5 मंजिल और है, 5th फ्लोर पर रहता हूँ मैं, मेरा जो क्योटो वाला वो इंडिया के हिसाब से 1st फ्लोर था पर जापान के हिसाब से 2nd है, और जापान के हिसाब से मेरा ये 5th फ्लोर है, इंडिया के हिसाब से 4th फ्लोर है, तो ये चक्कर है। तो बस ऐसे भूकंप वगैरह आया था, मेरे यहाँ तो इतना कुछ आया नहीं, पर हाँ ठीक है कोई नहीं। तो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ठीक है, तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं वैसे कभी बोलता नहीं कि वीडियो शेयर करना है, वो सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपको अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली आप शेयर करोगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो मेरे बोलने से कौन सा कर दोगे ना, तो ये सब चीज़ें थी। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी मेरे स्पेशल है कि मेरा एक लाइफ का मैंने आपके सामने एक अपनी जो एक लाइफ की मैंने अपनी अचीवमेंट आपके साथ शेयर करी, तो इसलिए थोड़ी सी स्पेशल है मेरे लिए वीडियो, तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ठीक है मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है, तो भाई मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय।